पराइटा काप के साथ मिलती जुलती जो तीसरी रेमेडी है वो है एथूजा। पराइटा और एथूजा दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन वीक होता है, दोनों ही कमजोर दिमाग वाले होते हैं, दोनों ही इडियोटिक टाइप के होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है दोनों में कि एथूजा को कंपनी चाहिए, वो लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लोगों की कंपनी डिजायर करता है, जबकि बराइटा को कंपनी एवर्जन होता है। बराइटा को कंपनी नहीं चाहिए, वो अकेला रहेगा, अकेले ही बैठा रहेगा, गार्डन में भी बैठा है तो अकेले कहीं कोने में बैठ के पत्थर फेंकता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, एथूजा को मिल्क से प्रॉब्लम होती है, एथूजा मिल्क को टॉलरेट नहीं कर पाता और बड़े बड़े दही के थक्के में वॉमिट कर देगा, जबकि बराइटा को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बराइटा को मिल्क से इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं बराइटा और एथूजा को।